हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मोटर ब्लॉगिंग चैनल बाइकर वेद। तो अभी सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाइए, साथ ही ना भूलिए इस बेल आइकन को दबाना सबसे लेटेस्ट और फास्ट वीडियो देखने के लिए, एंड इट्स कंप्लीटली फ्री। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जैसे सबको पता है, मैं अभी शिलोंग पे आया हुआ हूँ, एंड विद इन दो दिन हुआ है मेरा शिलोंग आके, और आज मैं विजिट करने जा रहा हूँ डॉनबोस्को म्यूजियम, वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजियम इन एशिया, इंटायर एशिया। नाउ यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजियम इन एशिया जो कि हमारे शिलोंग पे अवेलेबल है, जिसके बारे में ज़्यादा लोग के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एंड बहुत ही लेजेंडरी पीपल्स आके जा चुके हैं, लाइक एपीजे अब्दुल कलाम, सोनिया गांधी एंड बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। लेट्स सी इस म्यूजियम का अंदर से टूर करते हैं। आई होप कि सबको इंटरेस्टिंग लगने वाला है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि जिसके बारे में अभी तक सबको पता नहीं है इंडिया पे, यहाँ पे स्काई वॉक भी होता है शिलोंग में। या गाइस, शिलोंग में स्काई वॉक होता है जहाँ पे इंटायर आप पूरे शिलोंग का व्यू देख सकते हैं, एंड दिस प्लेस इज़ रियली नाइस, इट्स रियली वंडरफुल। लास्ट दो दिन से मैं यहाँ पे हूँ। वैसे मैं शिलोंग कई बार विजिट कर चुका हूँ, पर इस बार मैं स्पेशली इसको पूरे अच्छे तरीके से विजिट करके ब्लॉग बनाने के लिए आया हूँ। तो लेट्स सी इस म्यूजियम में आगे चल के और क्या मिलता है। कम ऑन, सो इन लोगों का फेसबुक पेज भी है। ओके गाइस, तो आप लोग इनको फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, इट्स लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, fv.com/dbcic। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाला है। वाह, गाइज ऑलरेडी सेल्फ गाइडेड म्यूजियम है यहाँ पे, सारे जगह कंप्यूटर स्क्रीन्स लगे हुए हैं विद द इन्फॉर्मेशन इंटायर द कल्चर ऑफ मेघालय या इंटायर नॉर्थ ईस्ट के कल्चर्स के बारे में यहाँ पे सारे डिटेल्स अवेलेबल हैं। हैव अ लुक। ओके गाइज, तो ये जैसा मैंने बताया सेल्फ गाइडेड म्यूजियम है, ये रहे कंप्यूटर स्क्रीन, एंड यहाँ पे आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे जैसे कि कोई भी कल्चर सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे में से एडवांस ट्रैवलिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ है, आप बैक जा सकते हो। अगर आपको रिलीजन के बारे में जानना है, आप इसमें क्लिक करिए, क्लिक करके यहाँ के सारा डिटेल्स एंड सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है गाइस। ओके गाइस, तो जैसे सब लोग देख रहे हैं, इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल म्यूजियम, क्वाइट ऑब्वियस कि काफ़ी लोग के पास इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। It's Asia's one of the largest museum in Shillong. Oh, just look at the model. So guys, this is the one of the biggest attraction of Meghalaya. It's a skywalk. Let's start it. Now the very first time in my channel, शायद काफी लोगों को पता नहीं है मेघालय शिलोंग में यहाँ पे skywalk available है, तो one of the biggest attraction in Meghalaya. आई नो इट्स थोड़ा बहुत टफ होगा इसको कवर करना, बट ब्लॉक के लिए चलता है। मैंने
टेन के लिए कुछ लगाया नहीं, वैसे मैं हमेशा लगाना भूल जाता हूँ राइडिंग के टाइम में भी, और यहाँ पे मैं ज़बरदस्त तरीके से टेन हो रहा हूँ। भाई इट्स ओके यार, कंटेंट के लिए चलेगा। लुक एट द व्यू, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। वो एक चर्च है एंड अभी जस्ट हमने स्काई वॉक स्टार्ट ही किया है मैंने, अभी बहुत टाइम लगेगा यार कंप्लीट करने में। यहाँ पे ऑलरेडी टैग लाइन्स दिए हुए हैं, मतलब टैग्स लगा रखे हैं यहाँ से कौन से व्यू नज़र आते हैं स्काई वॉक से। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से क्या क्या नज़र आ रहा है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है बट इट्स गुड। यहाँ पे जैसे मेंशन किया हुआ है यहाँ से क्या क्या व्यू दिखता है। ओके वैसे एक बात बताऊँ यार, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहता था। जैसे लास्ट दो ब्लॉक्स में देखा होगा किसने हेलीकॉप्टर राइड्स के, मैंने बोला था बहुत जल्दी सीज़न आने वाले हैं और भी सीज़न आएंगे, इन द सेंस कि राइड के लगभग और भी 4-5 वीडियो आने वाले हैं हेलीकॉप्टर राइड के। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरा जो पहला हेलीकॉप्टर राइड मैंने अपलोड किया इट्स हाईलाइट, उसमें सिर्फ कुछ सेकेंड के ऑडियो के लिए मेरे ऊपर कॉपीराइट। तो वैसे कुछ इश्यूज़ नहीं है मेरे चैनल के साथ, उनको जिनका ऑथेंटिक फाइल है उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन दिया नहीं है मुझे, तो फिर कॉपीराइट किससे लगाया। मैंने तो ऑलरेडी टैगलाइन में उनका म्यूज़िक का नाम मेंशन किया हुआ था। सो आई डोंट नो यूट्यूब की गाइडलाइंस किस तरीके से चेंज होती जा रही है डे बाई डे, बट आई होप कि उसका सोल्यूशन जल्दी निकल जाएगा। तो गाइज जैसे ही उसका सोल्यूशन निकल जाता है मैंने नेक्स्ट हेलीकॉप्टर राइड्स के सारे वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा। बहुत दूर है, बहुत ही चलना पड़ता है। और मेरे जैसे मोटे इंसान को चलना, वैसे इतना मोटा नहीं हूँ यार, 6 फीट हाइट है, थोड़ी बहुत हेल्दी होना भी चाहिए। तो सो गाइज अगर आसाम से हो तो यहाँ पे जरूर आना मेघालय स्काई वॉक करने के लिए, ये एशिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजियम है। और अगर आसाम से नहीं भी हो, इंटायर इंडिया से कहीं से भी हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। सबको पता है शिलोंग कितना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है और शिलोंग में एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजियम है। तो अगर इंडिया के बाहर से भी है गाइज तो विजिट करो। तो शिलोंग में सबको पता है कि चेरापूंजी विजिट करते हैं, डाउकी विजिट करते हैं एंड मैनी मोर प्लेसेस एंड, बट इसके बारे में किसी के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो स्काई वॉक जो कि वर्ल्ड के एशिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजियम में है स्काई वॉक, तो गाइस इसका इंजॉय करना मत भूलना प्लीज़। यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चली है एंड आई एम रियली इंजॉयिंग अ लॉट। वैसे भी शिलोंग का वेदर ठंडा ही रहता है और यहाँ पे स्काई वॉक में आके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार सीरियसली। मैं एक व्यू और दिखाना चाहूँगा डेफिनेटली, बट आई डोंट थिंक कि इस जो भी एक पिंजरा टाइप का बनाया हुआ है इससे बाहर का व्यू इतनी क्लियरली नजर आएगा। बट मैं इसके साथ जजमेंट तो नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली आप लोग जब आओगे तो विजिट करने के बाद इस सीन के साथ जजमेंट करके अपने ट्रिप को सक्सेसफुल कर सकते हो। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। ये पूरा ट्रेडिशनली मतलब जो अभी तक यूज़ होते आए, चाहे नगाड़ा बोलो, तंबूरा या फिर कुछ भी है, ये सब सारी इंस्ट्रूमेंट्स के नाम भी मुझे नहीं पता यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बट आई डोंट थिंक यू कोबरा इसके साथ जजमेंट करवाएगा। इट्स काइंड ऑफ वायलिन भी है, सितार भी है।
मिलिट्री हिस्ट्री गैलरी एंड यहाँ पे बहुत सारे स्कल्स भी रखे हुए हैं. ओह माय गॉड, वेपन्स. जैसे सब लोगों को मैंने अभी तक म्यूजियम का टूर करवा दिया, आप लोग स्काई वॉक भी कर लिया, आई होप कि सब लोग को अच्छा लगा. सो दिस टाइम मैंने काफ़ी सारे कैफेज विजिट किए. अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली अभी तक कुछ तो फोटोज़ के हाइलाइट्स मिल ही चुके होंगे. एंड साथ ही साथ गाइज मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फूड ट्राई किया, इट्स रियली नाइस. एंड वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्शन जो अभी मुझे मेघालय का लग रहा है, इट्स डॉनबॉस्को म्यूजियम, वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजियम इन एशिया. सो नाउ यू गाइज कैन अंडरस्टैंड, अगर वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजियम है एशिया में तो ये कितना खूबसूरत और कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है. तो डेफिनेटली इस बार अगर कोई मेघालय विजिट कर रहा है, शिलोंग विजिट कर रहा है, तो इस म्यूजियम को स्किप गलती से भी मत कर. आई डोंट थिंक कि ज़्यादातर कैब ड्राइवर्स इसके बारे में सजेशन देते हैं, बट उनको आपको बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे लेके आने के लिए, क्योंकि वो आपको सजेशन देंगे. अगर आपके पास टाइम कम है तो आप चेरापूंजी जाओ, डाउकी जाओ, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे सब लोगों का फायदा होगा, बट यहाँ पे आने से आपका फायदा होगा. तो गाइज यहाँ पे अगर आप शिलोंग विजिट कर रहे हो तो बिल्कुल भी मत स्किप करना इस चीज़ को. डॉनबॉस्को म्यूजियम एशियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजियम एंड इसके नीचे एक कैफे है, मैं सारा घूम के आया टूर करके एंड इट्स रियली नाइस कैफे गाइज. इट्स कम्प्लीटली इंटीरियर डिजाइन किया हुआ है बैम्बो से एंड इट्स वुड से, तो इट्स लुकिंग रियली वंडरफुल. एंड मैंने जस्ट जब अभी खाना ऑर्डर किया, आई होप कि खाना भी उतना ही इंटरेस्टिंग होगा. एक लुक्स मैं दिखाता हूँ इस खाने का, जस्ट हैव अ लुक. इट्स राइस, मेरा ऑटो फोकस में प्रॉब्लम आ रहा है गाइस. इट्स अ चिली चिकन, ये बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, डेफिनेटली इसको ट्राई करूंगा तो अच्छा लगेगा. दिस राइस एंड ये बटर नान है, इसको मैं अभी नहीं खोल रहा हूँ. एंड दाल फ्राई, ठीक. तो अभी मैं इस फूड को ट्राई करता हूँ, आई होप डेफिनेटली मुझे ये भी काफ़ी पसंद आने वाला है, क्योंकि दिस टाइम मैं इस बार जितने भी कैफेज को विजिट कर रहा हूँ एंड जो भी प्लेसेस को विजिट कर रहा हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. आई नो कि मैं हमेशा रेगुलर बेसिस में विजिट करता रहता हूँ शिलोंग को, तो फिर मुझे लग रहा था कि इस बार इतना कुछ इंटरेस्टिंग होगा नहीं, बट इस बार जिन प्लेसेस को मैंने विजिट किया, अगेन यार ये ऑटो फोकस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट इस बार मैं जिन प्लेसेस को विजिट किया है एंड स्पेशली कैफेज को, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो एक बार इस कैफे का लुक दिखा देता हूँ. Say something about this cafe. Actually, I'm the manager of this cafe. Okay, this is Northeast. Okay, Seven Sisters. You can come and visit us anytime. Okay, that's really, really. So, guys, ये यहाँ के manager हैं. He's a really nice person and nice cafe also. बहुत ही attractive तरीके से इसको design किया है. तो अभी मैंने कैफ़े का टूर किया, डेफिनेटली सबको कैफ़े बहुत ही अच्छा लगा होगा. कैफ़े रेस्टोरेंट आप कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों है. यहाँ पे आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप के फूड्स मिल जाएंगे, इंडियन कॉन्टिनेंटल या मेघालय स्पेशल, असम स्पेशल. यहाँ पे बहुत सारी थालीज अवेलेबल है, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स के फूड्स अवेलेबल है. तो इफ़ यू गाइज वॉन्ट देन, आप अगर डॉनबॉस्को म्यूजियम में आते हो तो आप इसके रेस्टोरेंट में डेफिनेटली विजिट करना. तो दैट्स इट फॉर नाउ. मैं काफ़ी ज़्यादा भूखा हूँ यार, मैं मॉर्निंग से व्लॉग बना रहा हूँ, तो अभी मैं जाके कुछ खा लेता हूँ. मैं व्लॉग का एंड यहाँ से निकल के करूँगा. सो गाइज फाइनली कंप्लीटेड माई वंडरफुल जर्नी ऑफ शिलोंग. आई होप कि सब लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा. और गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. मैं हमेशा ट्रैवल करता रहता हूँ, बाइक, फ्लाइट, हेलीकॉप्टर, व्हाटएवर, एंड डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्टिंग प्लेसेस दिखाता हूँ मैं हमेशा. एंड आई होप कि सब लोग को मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तभी मैंने अपने 4000 घंटे का वॉच टाइम भी बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लिया, विद इन 7 मंथ. ओके गाइज, सो आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, बिकॉज काफ़ी टाइम से लोग मेरा शायद चेहरा देख देख के परेशान हो गए, ये बड़े बड़े बियर्ड देख के भी. आई डोंट थिंक कि मैं बिना बियर्ड के अच्छा लगूंगा कि नहीं लगूंगा, मुझे नहीं पता, बट एक बार ट्राई करके देखता हूँ पूरा कंप्लीटली डिफरेंट स्टाइल में आके. तो मैं अभी गुवाहाटी के लिए निकल रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, तो वहाँ पर जाके मैं दिलीप से अपॉइंटमेंट लेता हूँ. आई डोंट नो यार वो मुझे अपॉइंटमेंट देगा कि नहीं देगा, वो बहुत बिजी रहता है. He's a very nice man and I hope कि अगर उससे मैं मिल पाता हूँ तो मैं अपना ये लुक चेंज करके बहुत जल्दी अपने डिफरेंट लुक पे वापस आता हूँ फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. सो गाइज कमेंट करके मुझे बताना कि कौन सा वाला लुक अच्छा लगा, बियर्ड के साथ या विदाउट बियर्ड के साथ. ओके गाइज, जस्ट रीच गुवाहाटी एंड फाइनली मैं अभी अपॉइंटमेंट मिल गया मुझे दिलीप का, जिससे मैंने मेंशन किया था कि आई डोंट नो मुझे जाके दिलीप का अपॉइंटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. कोशिश कर रहे हैं न्यू हेयर स्टाइल के लिए. दिलीप हेल्प कर रहे हैं. दिलीप, हेलो हेलो गाइज, न्यू हेयर स्टाइल को लेके एनीथिंग?
अभी वैसे भी शॉर्ट समर लुक चल रहा है तो शॉर्ट हेयर करने वाला हूँ मैं आपका और शॉर्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी काफ़ी शॉर्ट कर चुका है काफ़ी शॉर्ट कर चुका हूँ ईजी टू मेंटेन होता है और टाइम बच जाता है दिलीप को डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं लेकिन एक हफ्ते पहले करना क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट मिलना बड़ा मुश्किल है यार बहुत मुश्किल है एंड ही इज फ्रॉम VLCC ओके तो दैट्स इट अभी अगर आपको किसी को अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा यार लेकिन मुझे तो लिटरली बहुत पसंद आ रहा है यार आई थिंक मुझे मेरे में काफ़ी अच्छा लग रहा है न्यू हेयर स्टाइल ये दिलीप का स्टाइल है एंड न्यू समर लुक सो गाइज अगर किसी को पसंद नहीं आया तो दिलीप और पसंद आया तब भी दिलीप ओके सो दैट्स इट गाइज बाय फॉर नाउ एंड If you're watching my video, don't forget to hit the like button and do subscribe my channel. That's it for now.